हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आने लगा हूँ, जिसके लिए आज आप मुझे दोबारा देखेंगे इसी रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे। और बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसके बारे में आज मैं बात कर लूँगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, और आप अगर आप समझ गए तो फिर बहुत ही अच्छा आपके लिए। तो आज मैं बात करूंगा वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में, जैसे बिजनेसमैन हो गए, आईटी कंपनीज में काम करने वाले हो गए, ठीक है, बैंक वाले हो गए, प्रोफेशनल्स हैं जो अपने वर्क के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, मतलब 5-15, 15-16 घंटे काम ही कर रहे हैं वो। तो आज मैं उनके बारे में बात करूंगा कि वो अपना वर्कआउट प्लान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें मेरी, अगर आप मेरे साथ बन जाओगे तो वो तो आपके लिए मुश्किल है ना, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं, अगर आप 15 घंटे अपने काम को दे रहे हो तो मैं 15 घंटे अपने शरीर को दे रहा हूँ। तो मैं आज यहाँ पे सैलून हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो अब बात करेंगे आपके वर्कआउट के बारे में, भी आप उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आप कईयों के पास नहीं टाइम है यार, जैसे बैंकर लगा लीजिए, सुबह चला जाता है 10-9 बजे जब भी ऑफिस होते हैं उनके, और शाम को उनका आने का कोई टाइम नहीं है, 4 बजे बंद हो रहा है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कोई टाइमिंग ही नहीं है उनकी, कब घर आना कब नहीं। तो उसके लिए क्या है, आप जो अपना वर्कआउट है वो प्लान कर सकते हैं। आप जैसे जिनके पास जिनकी टाइमिंग है ऑफिस की, सुबह 10 बजे जाना उन्होंने है, तो अपना वर्कआउट जैसे प्लान कर सकते हैं, सुबह 6 या 7 बजे भी वो जिम जा सकते हैं। उनका जो वर्कआउट प्लान है वो 45-60 मिनट्स का, ठीक है, इनफ वर्कआउट है उनके लिए, कि जिसके बीच में वो 20 या 30 मिनट 25 मिनट अपना कार्डियो करें, और अपर बॉडी हल्की बहुत ही, एक दिन अपर बॉडी पूरी कर ली जिसमें उन्होंने चेस्ट लगा ली, 2 एक्सरसाइजेज, या फिर ट्राइसेप्स के कर, आर्म्स अपनी ट्रेन कर ली, बाइसेप्स हो गए उसमें, शोल्डर्स अपने ट्रेन कर सकते हैं वो, ठीक है। और नेक्स्ट डे उन्होंने अपना लोअर बॉडी ट्रेन कर ली सारी, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, सब कवर कर ली, ऐसे वो अपने आप को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी हेल्प के लिए जिम्स के अंदर ट्रेनर्स होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, हाँ मेरी एक्सरसाइज का पोस्चर ठीक है कि नहीं, कि मैं एक्सरसाइज कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा। तो सबका अलग अलग गोल है, जैसे अब बैंकर्स की मैं बात कर लेता हूँ, बैंकर्स हो गया फिर कोई और हैं, तो वो कैसे वर्कआउट कर सकते हैं अपने, बेसिकली सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की। मैं जितना का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे पास आते हैं जिनकी सीटेड जॉब है, तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप जिम में जाएं, मसल्स अपने ट्रेन करें, क्योंकि उनकी जो ट्रैपीजियस मसल है वो बहुत वीक हो जाता है, जो नेक के साइड जॉइंट है आपके साथ, नेक के साइड जॉइंट है, तो उसको आपको ट्रेन करना चाहिए। आप उसके लिए श्रग्स कर सकते हैं, अपराइट रोज कर सकते हैं, तो काफ़ी एक्सरसाइज हैं जो उसको ट्रेन करने के लिए होती हैं, कि उस मसल के अंदर जो है ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो अब उस ब्लड की फ्लो को अगर आप लेके आएंगे तो ऑब्वियस है वो चल पड़ेगा। अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है उसको धक्का मारेंगे तो तभी चलेगी ना वो, नहीं तो वो रुकी हुई है, वो आपने जाम कर दी उसको, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो लोगों के बॉडी के पोस्चर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं वो, तो वो इट्स नॉट, मतलब कि मैं जैसा मैं कह सकता हूँ कि वो दिखने में अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना, झुके हुए ऐसे। तो बॉडी के पोस्चर लोगों के, इन जॉब्स के अंदर क्या होता है, पैसा तो आपके पास आ जाता है पर आपका शरीर आपका साथ नहीं रहता, वो उसकी शेप ही अलग सी हो जाती है, कोई झुका हुआ है, कोई मुड़ा हुआ है, किसी का पेट बाहर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ नहीं है, तो वो बड़ा बहुत दिक्कत वाला काम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अपने बॉडी पोस्चर को आप ठीक कर सकते हैं इससे, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी बनी रहे, जैसा आपका वर्क है तो उसकी जैसे उसके अकॉर्डिंग आपको दिखना भी चाहिए, ठीक है ना। अब हम जाते हैं, हमको कहते हैं यार आज हम बैंक आए हैं, या फिर हम कहीं बिजनेस मैन के पास आए हैं, ये उनका नाम होता है उनका, आ रहे हैं धारीवाल साहब, आ रहे हैं धावा साहब, अब आ रहे हैं तो देख तो नहीं, कैसे आ रहे हैं तो उनका 25 इंच तो पेट है, पहले कमरे घुसने से पहले उनका पेट अंदर आया था, तो वो नहीं, एक आपकी जो लुक है ना, वो जो एक बंदा सोच के आता आ रहा है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, कहते हैं ये क्या देख लिया मैंने, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी लुक को आप ठीक कर सकते हैं, ठीक, ये आपके लिए है। अब आप खुद देखिए, आप अगर ऑफिस में जाएंगे, अच्छे आपने आउटफिट आपने डाला हुआ तो लोग आपको प्रेज करेंगे, यार ऑफिस है लो अपने, ये आपको कहेंगे भी नहीं यार हमने अपने सर जैसा बना, ठीक है, काम तो हम कर ही रहे हैं, बट ये कि हम दिखें भी उनके जैसा, आपके लाइफस्टाइल को लोग फॉलो करेंगे, आपके लाइफस्टाइल को लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब था आपको, कि जो अपना कार्डियो है या फिर जो भी अपनी एक्सरसाइज है वो बंद ना कीजिए, उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है, जिससे कि आपको काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स है ना वो लेटर ऑन आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए 35 तो ग्राफ नहीं, बिल्कुल सीधा जाता है ऊपर, बंदा पहाड़ी चढ़ रहा है, वो बहुत अच्छा है उस टाइम, उसके अंदर बड़ी ताकत है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है उसका, पर 35 के बाद नहीं, ग्राफ नीचे आना शुरू होता है, तब उसको पता चलता है भी मैंने क्या गलतियाँ की हैं, और तब तक उसके बाद टाइम नहीं होता कि मैं वापस वो पहाड़ी चढ़ सकूँ, क्योंकि वो फिसल रहा होता है।
तो जब तक आपका पीक पॉइंट होता है तो अगर उसको वहीं पे संभाल लो तो वो बेटर है कि गिरने से पहले आपको पता चल जाए कि नहीं यार मैं अब मेरे को बचना चाहिए तो मैं बच जाऊँ। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जैसे आप किसी की शिफ्ट है शिफ्टिंग आवर्स के हिसाब से होता है उनका, जैसे कई शिफ्ट जिनकी शिफ्ट है 10 to 6 या 7 शाम तक जो है वो मॉर्निंग में कर सकते हैं, उनके लिए मॉर्निंग बेटर है। ऑब्वियस है सारा दिन का लोड होता है उनके दिमाग पर, शाम तक वो इतने प्रेशराइज हो जाते हैं, बॉस ने ये कह दिया यार टारगेट नहीं हुआ ये वो, मेंटली इतने थक जाते हैं वो जाके कहाँ वर्कआउट करेंगे। उस टाइम उनको होता है खाना खुना खाएँ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, टीवी देखें, अपना सो जाए। तो उनके लिए कि मॉर्निंग में वो जा सकते हैं, मॉर्निंग में एक तो 6-7 बजे अगर वो उठते हैं तो फ्रेश फील करेंगे, वो एक्सरसाइज भी करके जाएंगे तो एक्टिव रहेंगे सारा दिन, मतलब माइंड पे उनके कोई प्रेशर नहीं होगा। अभी जो रात वाला प्रेशर था वो सुबह जाएंगे तो एक्जर्शन होती है ना, जो एक स्ट्रेस लेवल होता है वो आपका निकल जाता है। बेसिकली जो एक्सरसाइज वो बनी इसी के लिए, एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रेस रिलीफ हो, ठीक है। और बाकी जो जिनकी नाइट शिफ्ट्स हैं यार वो कर सकते हैं, जैसे अब नाइट पे जाते हैं वो 10-11 बजे उनकी शिफ्ट शुरू होती है, सुबह 5-6-7 बजे तक ओवर होती है, तो वो अपना आए वहाँ से करके अपना आगे स्लीप ली उन्होंने आराम से, वो जा सकते हैं। जैसे उनकी शिफ्ट है 8-9 बजे 10 बजे शुरू होती है, 9 या 10 एग्जांपल लेके चलते हैं, जो 9-10 बजे शुरू भी हो रही है तो वो जिम जा सकते हैं 5-1 बजे 4 से 5 4 बजे के बाद, मतलब कभी भी वो जिम जा सकते हैं, अपना जाएँ वो अपना एक्सरसाइज करें। वही एक घंटा बहुत है यार, इनफ है आपके लिए जो फिट वर्किंग प्रोफेशनल है। 1 घंटा भी अगर आप अपने शरीर को दे रहे हो ना तो इट्स बेटर यार। अगर यार आप 16 घंटे अगर अपने काम को देते हैं 15 घंटे तो 1 घंटे का अपने शरीर को नहीं दे सकते जिससे आपने सारा काम लेना है यार, दुखी इतना तो आप अपने लिए कर सकते हो। जब 16 घंटे अपनी कंपनी के लिए कर सकते हो, 1 घंटे अपने लिए नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कौन कहता है नहीं कर सकते? हर एक बंदा टाइम निकालता है हर चीज़ के लिए। आप अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालते? निकालते हैं ना। वर्क पे अगर आपके काम पे अगर कहीं पार्टी होते तब भी तो आप टाइम निकालते हैं, 2-2 घंटे जाके वहाँ पे नाचते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं, तो 1 घंटा आप अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब यही, आप अगर आपकी बॉडी अगर आपकी अच्छी है, अगर आपका साथ दे रही है, सब कुछ है यार, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। तो ये पैसे का भी तभी फायदा ना अगर आप फिट हो, अनफिट हो तो क्या फ़ायदा है? ना कपड़े आ रहे हैं आपको, ना आप खा पी रहे हो चाह, ना कुछ, अनहेल्दी हो जाता है बंदा इसमें, आप बहुत बड़ा कुछ है। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप नीचे मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हैं, और मेरे को और भी अगर आप बता सकते हैं, आप अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, और नीचे लिंक है रोलिंग फिल्म एंटरटेनमेंट, आप इसको जाकर सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे आपके सामने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो आपके सामने लेके आता रहूँगा। आपका चरणजीत सिंह चहल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।